अज श्रोमणी अकाली दल दी ते एसजीपीसी दी एक डेलीगेशन यूपी दे बड़े सत्कारयोग मुख्यमंत्री योगी जी नूं मिलन वास्ते आए। सिख कम्यूनिटी ते पंजाबियां दे कई मुश्किलां सी जो यूपी दे विच जिहड़ियां असीं उन्हां नूं जाणू कराईआं। तीन मुद्दियां ते असीं उन्हां नाल गल कीती। सब तो पहले तीन जिले है, खास करके कमिश्नरेट मुरादाबाद बरेली लखनऊ सर्कल मंडल मंडल या सर्कल जिहड़े अपने कमिश्नरेट कहने हैं। इत्थे साडे कोले पंजाब विच बहुत सिख ते पंजाबी किसान आए जिन्हां ने पिछले 50 साल 70 साल 80 साल पहले यूपी विच गए। इत्थे जंगल हुंदे सी, सारियां जमीनां नूं आबाद किया। उदों इंश्योरेंस की गई सी सरकार नूं कि आ जमीना तुसी जंगलों नूं ठीक कर लो, इत्थे फसल लगाओ, इहदे बाद तुसी इहदे मालक होणगे। पिछले 70 साल उन्होंने जंगल नूं आबाद किया, बड़ी मेहनत करके इस इत्थे एग्रीकल्चर का काम शुरू किया। पर थोड़े साल डेढ़ साल थोड़े दिन पहले सरकार तरफों उन्होंने नोटिस आन लग गए कि आ जमीना क्योंकि सरकार के नाते है, आ सू विक्ट किया जाता है, क्योंकि पिछले 70 साल तो वाहे से असी साढ़े को आए तो असी मैं योगी जी ना जो चीफ मिनिस्टर माननीय गुप्ता प्रदेश थे उन्होंने गल की, टाइम लिता तो अज असी डेलीगेशन लेके आए हैं। तो मैं धन्यवाद करता है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जिन्होंने बड़े वधिया तरीके ने सारी गल समझ के सानू अश्योर किया है कि किसी भी पंजाबी नूं इत्थों उजाड़िया नहीं जाऊगा, किसी सिख नूं इत्थों उजाड़िया नहीं जाऊगा जिन्होंने इन्ने साल इत्थे जमीना उत्ते इत्थे मेहनत करके आ इलाके नूं आबाद किया। वो कहिंदे जो कार्रवाई है मैं जल्दी ही मीटिंग करके वो सारी कार्रवाई पूरी करके मैं अश्योर करदा कि उन्होंने सानू कहा कि असीं इत्थे किसी हाल च उन्होंने कोई तकलीफ नहीं आऊगी, मालकी के हक भी दिते जाएंगे। दूजी गल जिहड़े असीं उन्होंने दूजी गल जिहड़े असीं उन्होंने गल की कि 1991 विच पीलीभीत विच 11-12 सिख आम सिखां नूं उस टाइम की पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिता। इनोसेंट सिख सी, उन्हां दा कोई किसी ना कोई लेना देना नहीं सी। CBI की इनकुआरी लगी गई, CBI ने वो पुलिस मुलाजम जिन्हां ने आ कार्रवाई की उन्हां ते केस दर्ज करके उन्हां नूं अरेस्ट भी किया, कोर्ट में चलान भी पेश किया। CBI कोर्ट ने उन्हां सारे पुलिस वाले नूं उम्र कैद दे दित्ती सारयां नूं। पर हुणी थोड़े दिन पहले माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिथे उन्हां दी 302 नूं कन्वर्ट करते 306 कर दित्ती, जिहदे करके वो 7 साल की सज़ा रह गई। असी योगी जी नूं मुख्यमंत्री जी अपील की क्योंकि आ क्लीयर है, CBI ने इनकुआरी की, सारे नूं पता है कि वह इनोसेंट सी जिन्हां नूं पुलिस ने बेरहमी नाल मारिया गया। इस करके असी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट का आया है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करें, तो जिहड़े लोगों नूं परिवारों का एडा वड्डा नुकसान किया उन्होंने इंसाफ मिल सके। वह भी उन्होंने इंश्योर किया कि असी अपने लीगल डिपार्टमेंट नाल गल करके वी विल टेक इट अप टू द लॉजिकल कंकलूजन। जिहड़ी असी जिहड़ी गल उन्होंने की कि 2014 विच सहारनपुर विच हिंदू ते सिख ते मुसलमान भाईचारे विच थोड़े झगड़ा होया सी गुरद्वारे करके, उहदे विच कई लोकी जख्मी भी होए सी, काफ़ी दुकानां भी अग लगियां सी। पर उहदे बाद केस रजिस्टर होए, उहदे बाद दोनों भाईचारे विच समझौता हो गया, शांति हो गई, ते पर केस हले भी चल रहे है क्योंकि दोनों धर्मां विच कोई ज़्यादा रौला नहीं सी, समझौता हो गया, सारा कुछ हो गया। तो केसां नूं असीं अपील की है मुख्यमंत्री जी नूं कि वह केस हुण वापस लिते जाण क्योंकि वह उस टाइम की इमोशनल बर्स्ट विच सारा कुछ होया गया सी, आ कोई प्लैंड नहीं सी, तो इस करके वह भी उन्होंने इंश्योर किया आई विल एग्जामिन इट एंड वी विल गिव यू जस्टिस। सो मैं धन्यवाद करदा मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने आह भी इंश्योर किया कोई भी समस्या कोई पंजाबी दी होए कोई सिख भाईचारे सानू दस्यो, मेरे राज विच
किसी नूं कोई तकलीफ नहीं आऊगी। तो इस करके अज तीन आ मुद्दों करके अज असी यूपी आए मुख्यमंत्री नूं मिलन वास्ते। मेरे नाल चंदू महाराज साहब हैगे जो साढ़े पार्टी दे सीनियर लीडर हैं, MP भी हैगे, तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटरी अपने गरेवाल साहब भी मेरे नाल आया। होर कोई सवाल किसी नूं? कई कई हज़ार लोग हैं जो पंजाब से आए थे। मैं हिंदी च भी कह देना, हम तीन मुख्य विषय पर आज हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिले। एक, जो हजारों सिख तकरीबन 70-80 साल पहले जब यूपी में तराई एरिया या वो जो जंगलों में कोई जाता नहीं था, आबाद नहीं हुए थे इलाके, उस टाइम वो आए, इनको सरकारों ने यहाँ ले, उनको सरकारों ने कहा कि आप जंगलों को ठीक करो, इसमें खेती करें और हम आपको कोई सब सहूलत देंगे। पिछले 70 साल वो उन्होंने सारे जंगल ठीक करके और यहाँ की इकॉनमी में बहुत बड़ा असर भी डाला और खेती में बहुत यहाँ कामयाबी प्राप्त की। पर पिछले थोड़े साल में सालों से उनको सरकार तरफ से नोटिसेज आने लग गए कि ये सरकारी ज़मीन है, आज हम आपको विक्ट करना चाहते हैं। हम इसी मुद्दे को लेकर जब वो पंजाबी और सिख भाईचारा हमें मिलने आया पंजाब में, हमने यूपी के मुख्यमंत्री जी से बात की और यूपी के मुख्यमंत्री जी ने बोला आप हमारे आए यहाँ मिलें, और इसीलिए मैं आज अपनी डेलीगेशन के साथ आया हूँ। और यूपी के मुख्यमंत्री जी को ये जब बात बताई तो उन्होंने बड़ा हमें श्योर किया कि मेरे राज में किसी को विक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को विक्ट नहीं किया जाएगा। जो हमारे सिख बहन भाई या हमारे पंजाबी 70 साल पहले आए थे उनको श्योर कर दे मेरी तरफ से कि हमारी सरकार उनको पूरी सपोर्ट करेगी और जो उनके राइट चाहिए उनको देगी। सो ये ज़्यादा लोग मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ इनके इन मंडल्स के हैं जो जो किसान की बात मैं कर रहा हूँ। तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग हैं। तो दूसरी बात पीलीभीत में तकरीबन 1991 में निर्दोष सिख परिवारों का कत्ल किया गया। 11 सिख बच्चे बुजुर्ग उनको कत्ल कर दिया गया। उस टाइम इंक्वायरी हुई, ये केस CBI को दिया गया। CBI ने इंक्वायरी कर जो दोषी थे पुलिस मुलाजम उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, उनको अरेस्ट किया और CBI कोर्ट ने उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी, पर फॉर उम्र लाइफ इंप्रिजनमेंट दी। तकरीबन 43 पुलिस मुलाजम थे। अब थोड़े दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक डिसीशन आया है जिसमें वो जो पुलिस मुलाजम हैं उनको मर्डर से उनकी सजा कम करके 7 साल की कर दी है, 302 को तोड़कर 306 लगाई गई है। हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कि वो सारे प्रूव्ड है कि वो सारे इनोसेंट थे और गरीब थे जिनको पुलिस ने यूपी पुलिस ने उस टाइम उनको मार दिया था, तो उनको फिर से पूरी सजा मिलनी चाहिए जो जिन्होंने ये काम किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री जी ने मुझे हमें इंश्योर किया कि हम मैं इसका लीगल अपीनियन लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में हम अपील डालेंगे। तीसरी बात, जो सहारनपुर में 2014 में हिंदू भाईचारा, सिख भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा में के बीच में टकराव हुआ एक गुरुद्वारे के मामले पे, जमीन के मामले में, और वहाँ लड़ाई झगड़े हुए, कई नुकसान भी हुआ, उसके बाद केस रजिस्टर किए गए। तो दोनों भाईचारे के लोग इकट्ठे हुए, मिले, उन्होंने अपनी जो मतभेद थे वो दूर किए, समझौता कर लिया। पर श्रोमणी अकाली दल ने हमने उस टाइम अपनी डेलीगेशन भी भेजी और हमारे SGPC के भी लोग भी गए, हमने दोनों को बैठाकर उस मसला हल कराया। पर हमने रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री जी को, वो सारा समझौता हो गया, सब अब सेटल हो गया, पर वो केस अभी भी चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि वो केस विड्रॉ किए जाए। तो तीनों जो मुश्किलें थी जो हमारे बहन भाई को आ रही थी जो हमें मालूम चली, वो सब केस हम लेकर आज मुख्यमंत्री के पास गए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें श्योर किया
कि वह तीनों मसले हम हल करेंगे। थैंक यू। किसानों का आंदोलन भी, ये किसान आंदोलन का मतलब नहीं, ये सिख आंदोलन है। किसान सब हैं, कोई हिंदू भी किसान है, मुस्लिम भी किसान है, सिख भी किसान है, क्रिश्चियन भी किसान है। सो ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। जो किसानों की मुश्किलें होती हैं वो सरकारें आप देखें और उनको सुलझाएं।